बीजेपी सरकार ने कहा था कि दफा 370 जम्मू कश्मीर की जो तरक्की है उसकी उसमें रुकावट है, तो उसको बयान करेंगे कि जैसे दो बरसों में जम्मू कश्मीर दीगर रियासत कितनी पीछे हुए तरक्की के लिहाज से और उन्होंने कितनी तरक्की की है। तो उसी यह जो यहाँ जो इंतजामिया है, सूबा इंतजामिया है, उनका आज ये प्रोग्राम है कि जो हरी पर्वत है वहाँ वो तिरंगा जो है कौमी झंडा है परचम है वो लहराएंगे। इसके अलावा जो बीजेपी है वो आज के दिन को बड़े जोश खरोश से मनाने का जो प्रोग्राम रखती है, उन्होंने यहाँ श्रीनगर के चेरिस लेन में जो उनका बीजेपी का सरकारी दफ्तर है वहाँ इस को 5 अगस्त के जमन में तकारीब मुनक्कद करने का जो है वो प्रोग्राम बनाया है, तो वहाँ उनके कुछ लीडर आएंगे। तो ओवरऑल जो वादी कश्मीर में है वो गुज़श्ता 2 बरसों में यहाँ जो माहौल था वो नासाजगार रहा, हालात भी कशीदा रहे, लोग जो है कोविड पहले बंदिशों की वजह से और फिर कोविड-19 की बंदिशों की वजह से काफ़ी परेशान हुए, जिस दौरान उनको काफ़ी माली नुकसान भी हुआ, ताजर जो है वह काफ़ी परेशान है क्योंकि उनको काफ़ी नुकसान हुआ। उसके अलावा जो तैलीमी इदारे वो भी बंद रहे। तो मजमू तौर पर जो गुज़श्ता 2 बरसों में यहाँ सूरत हाल रही है, चाहे सियासी हो, तजारत की हो या ओवरऑल जो माहौल है वो नासाजगार रहा और लोग हैं वो काफ़ी मायूस लग रहे हैं, आज भी उनमें काफ़ी मायूसी है। मीर फरहत, ETV भारत, श्रीनगर।